हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सामाजिक जानकारी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव के बारे में। दोस्तों मैटरनिटी लीव क्या होती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और मैटरनिटी लीव लेने का तरीका क्या है और इसके दौरान हमें क्या क्या सुविधाएँ मिलेगी, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटरनिटी लीव होती क्या है। दोस्तों मैटरनिटी लीव के अंदर अगर कोई महिला गर्भवती है और वो किसी भी कंपनी में या फिर सरकारी कार्यालय में काम कर रही है तो इस दौरान वो छुट्टी ले सकती है और जितने भी दिन की उसे छुट्टी मिलेगी तो उसकी कोई पेमेंट नहीं कटेगी, उसे वही पेमेंट मिलेगी जो उसे काम करने के दौरान मिल रही थी। दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके दौरान हमें कितने दिनों की छुट्टी मिलती है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत इंडिया के अंदर 1961 के अंदर हुई थी और 2016 तक इसमें जो छुट्टी मिलती थी वो 12 सप्ताह की मिलती थी, यानी कि 84 दिन की छुट्टी दी जाती थी और वो चाहे 6 सप्ताह पहले ले लो डिलीवरी होने से पहले और 6 सप्ताह बाद में। लेकिन 2016 के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री श्री मेनका गांधी जी ने इसे बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया था, यानी कि टोटल 182 दिन की छुट्टी अब हम ले सकते हैं और लगभग यानी कि 6 महीने की छुट्टी हम इसमें ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो 3 महीने डिलीवरी होने से पहले ले सकते हैं और तीन महीने डिलीवरी होने के बाद में इसकी छुट्टी ले सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि क्या हम प्राइवेट कंपनी में भी मैटरनिटी लीव का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल, इसका प्राइवेट कंपनी में भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी कुछ कंडीशन भी है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोस्तों जिस भी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वो रजिस्टर होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए सरकार द्वारा। और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर करीब दस वर्कर काम करने होना ज़रूरी है। और तीसरी बात ये आती है कि उस कंपनी में आप कम से कम 1 साल करते हुए होना चाहिए और शुरू के जो 80 दिन हैं वो आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। ये ना हो कि शुरू के पहले महीने आप आओ ही ना, ठीक है, एक दो दिन की छुट्टी चल जाती है लेकिन कंटिन्यूसली उसमें होना थोड़ा ज़रूरी है। तो ये कुछ कंडीशन है प्राइवेट जगह पे काम करने की। और अब बात आते हैं कि सरकारी जगह पे अगर काम कर रहे हो तो उसके अंदर क्या कंडीशन है। तो दोस्तों सरकारी के अंदर इतनी ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं है और उसके अंदर जैसे कि आप नौकरी लगे हो और नौकरी लगने के 1 महीने बाद ही आपकी डिलीवरी हो गई तो भी आप छुट्टी ले सकते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। और दोस्तों अब बात आती है कि हम इसके लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही आसान है। इसके लिए आप मैटरनिटी लीव एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा आपको, और ये जो मैटरनिटी लीव एप्लीकेशन फॉर्म है या ये आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं या फिर आप कोर्ट से जाके ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह का फॉर्म नहीं है और आपको पता नहीं है कि कहाँ से किस तरीके से डाउनलोड करें तो आप हमारी वेबसाइट samajikjankari.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप मैटरनिटी लीव एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो भी आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आप एक सिंपल सादे कागज़ पर अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं टू द मैनेजर, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वो, और उसका एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया यानी कि मैटरनिटी मातृत्व अवकाश लेने के बारे में, और उसके बाद में आप पूरी अपनी डिटेल लिख दीजिए कि मेरा नाम सुनीता है और मैं इस कंपनी में इतने दिनों से काम कर रही हूँ और मुझे प्रेगनेंसी इतने दिनों से और मेरी डिलीवरी इतने दिनों बाद होने वाली है। और ये सारी आपसे संबंधित जितनी भी जानकारी आप उस एप्लीकेशन में लिख दीजिए, सादे कागज़ पर आप लिख सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मैटरनिटी लीव लेने के दौरान आपको साथ में मेडिकल रिपोर्ट लगाना ज़रूरी है, यानी कि उसमें प्रेगनेंसी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रेगनेंसी प्रूफ अगर हो सके तो आप सरकारी हॉस्पिटल से बनवाइए, वो ज़्यादा मान्य होता है। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपने चेकअप वगैरह करवाते हैं तो वो भी इसका प्रूफ चल सकता है। और इस तरीके से आप ये सभी प्रूफ लगा के और साथ में अपनी आईडी लगाना ज़रूरी है। और अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट कार्ड वगैरह है तो वो भी उसके अंदर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से करके आप जितना जल्दी हो सके आप कंपनी में और जिस भी कार्यालय में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ये एप्लीकेशन दे दीजिए। दोस्तों एक बात और यहाँ पे कि इस दौरान हमें क्या क्या सहायता मिलेगी। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इस 6 महीने के दौरान आपकी जो भी पेमेंट होगी वो आपके खाते में ज़रूर आएगी और उसका एक भी पैसा आपका नहीं काटा जाएगा। और दूसरी बात ये आती है
कि इसमें अगर आप चाहो तो मेडिकल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। कई कंपनियां होती हैं जो अपने आप प्रोवाइड करवाती हैं। तो इस दौरान क्या होगा दोस्तों कि हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो कि अगर जो महिला है उसकी डेथ हो जाती है इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका मुआवजा जो उसका क्लेम उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप मैटरनिटी लीव का लाभ ले सकते हैं। और हम जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे सामाजिक जानकारी डॉट कॉम वेबसाइट से ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक पूरा फॉर्मेट भी दिया हुआ है और एक एप्लीकेशन जो सिंपल एप्लीकेशन लिखते हैं वो भी हमने यहाँ पर सैम्पल डाला हुआ है। वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से मैटरनिटी लीव लिखते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर आपका मैटरनिटी लीव के बारे में किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।